ऊपर ऑफिस है गवर्नमेंट की, और ऑफिस के अंदर सब जाजरू है, बाथरूम है, गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस के अंदर कुछ खाना पीना जो होता है वो सब चलता है। और ये माता जी के मंदिर के अंदर नगर देवी के ऊपर ये सब चीज़ बहुत नहीं अच्छी लगती है, इसके लिए हमको ये तकलीफ के अंदर के शेखर बनाना चाहिए और हमको धजा के दी देना चाहिए। जैसे नवरात्रि के अंदर हमको गरबा करवाते वो भी हमको नहीं करने का नहीं मिलता। हिंदुओं की आस्था के खिल्ले उड़ाने वाले पुरातत्व विभाग के अफसरों की मनमर्जी का आलम यह है कि मंदिर के हेरिटेज बिल्डिंग में होने के चलते शौचालय हटाना तो दूर, पुरातत्व विभाग मंदिर प्रशासन को वहां एक दिन का भी खड़काने की अनुमति नहीं देता, जबकि वो खुलेआम हिंदुओं के धार्मिक आस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी लेटेस्ट हमने लगभग 15 दिन पहले ही आदरणीय माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह को ही पत्र लिखा है कि आप इसको प्लीज़ ध्यान दे करके इसमें उचित कार्यवाही करें, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही हमारे प्रांगण में, भद्र जो चौक है उस प्रांगण में सेड वगैरह की परमिशन उन्होंने ही दी, तो हमको लगा कि ये काम या तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह या प्राइम मिनिस्टर श्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ही कर सकते हैं। मंदिर प्रबंधन पिछले कई सालों से इसकी शिकायत कर रहा है। पुरातत्व विभाग के स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली के दरबार में भी मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक इस अंधेर गर्दी की सुनवाई नहीं हुई है। मंदिर अधूरा है, छोटी से जगह में पूजा संचालित की जा रही है, सालों से मंदिर में विकास का कोई काम नहीं हुआ, नियम का हवाला देकर हर चीज पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन मंदिर की पवित्रता को भंग करने वाले पुरातत्व विभाग पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। जिसके आशीर्वाद से अहमदाबाद बढ़ा, वहां की पवित्रता भंग करने पर पुरातत्व विभाग क्यों उड़ा? लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस मामले पर पुरातत्व विभाग का पक्ष जानने के लिए न्यूज 24 के संवाददाता ने वडोदरा स्थित राज्य के पुरातत्व विभाग के मुख्य कार्यालय का दौरा भी किया। हम जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी वजह है जो पुरातत्व विभाग को इस मामले में न्याय संगत फैसला लेने से रोक रही है, लेकिन पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने हमें दो टूक ऑन कैमरा कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनका साफ कहना था कि वो इस मामले में कुछ भी कहने के लिए ऑथराइज नहीं है, जबकि इस मामले में अहमदाबाद भद्रकाली मंदिर के ट्रस्टी और पुजारी का साफ कहना है कि हमने इस बारे में पुरातत्व विभाग के दिल्ली हेड ऑफिस से भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विभाग जानबूझकर अपनी आंखें और कान बंद किए बैठा है। जाहिर है पुरातत्व विभाग जानबूझकर इस मामले में टाल मटोल भरा रवैया अख्तियार कर रहा है, वो भी तब जबकि पुरातत्व विभाग को इस ऐतिहासिक मंदिर के महत्व और इससे बहुसंख्यक आबादी के धार्मिक आस्था के जुड़ाव की पूरी खबर है।